संजय आप अब चर्चा में जो जुड़े हैं आपने सनसनी खेज दावे किए हैं अब इन दावों पर भरोसा करें या आप अपनी खीज मिटा रहे हैं या किसानी बिल्ली खंभा कि आप फंसे तो दूसरों की गलतियां दूसरों के दाग गिनवाने लगे अरे इसमें खीज मिटाने का क्या सवाल है मैं तो कह रहा हूं भाई ईडी सीबीआई इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं इनके पास तो हम लोगों के मामले में अगर वो गामा पहलवान दारा सिंह और बॉक्सर विजेंदर सिंह की तरह काम करते हैं तो बीजेपी से जुड़े किसी मामले में वो गजनी मोड में क्यों चले जाते हैं उनको पूछताछ करनी चाहिए कार्रवाई करनी चाहिए आप बताइए जिस कंपनी का मुनाफा दो करोड़ रुपए हो वो तिरानबे गुना ज्यादा चंदा दे रही है तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कागजों पे बनी कंपनी है फर्जी कंपनी है जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं, वो कंपनियां अगर सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा दे रही हैं, 600 सौ करोड़ का चंदा छह कंपनियां दे रही हैं, 600 सौ करोड़ का चंदा उनको टैक्स में छूट मिल रही है हजारों करोड़ के टैक्स में छूट मिल रही है यह दिखता नहीं कि भ्रष्टाचार है तो कंपनियों तो को मिलती है जिनको टैक्स में छूट मिली जो टैक्स में छूट मिली जीरो टैक्स है है घाटे में वो ऑन पेपर कंपनियां जिसको कह रहे थे मोदी जी कि हमने तीन लाख फर्जी कंपनियां बंद करा दी हैं सेल कंपनियां तो उनकी पार्टी को चंदा कैसे दे रही है ये? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते संजय सिंह और ये तथ्य लेकर अदालत जाइए कि ये हो क्या रहा है वाह 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 रे संदीप जी वाह 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 आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई घास छीलेगी ईडी सीबीआई बीजेपी का जब मामला आएगा तो वो घास छीलेगी वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी जब उनसे संबंधित मामला जाए आए तो हम जाके अदालत में पहुंच जाए तुरंत उनके मामले में आप कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं करे ये एक अजीब सवाल मीडिया का, भी भी का सवाल आता है नहीं अगर ईडी सीबीआई आप तो आरोप लगाते हैं कार्रवाई हो रही है, 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 बन है सरकार के अजीब चलन शुरू हो गया जब भी बीजेपी से जुड़ा कोई मामला होता है आप कहते हैं कि नहीं भाई ईडी सीबीआई तो कोई कार्रवाई नहीं करिए आप जाइए अदालत से कार्रवाई क्यों सीबीआई को क्या भारतीय जनता पार्टी तनख्वाह देती है इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से ही तो तनखा मिलती है उनको तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो सक्रिय रहेंगे कांग्रेस के खाते सीज करने के लिए सक्रिय रहेंगे दूसरी पार्टियों को कार्रवाई करने के लिए सक्रिय रहेंगे बीजेपी की जब बात आती है तो आप लोग कहते हैं अदालत क्यों नहीं जाते ईडी को भेज दीजिए ये सारी कीजिए क्यों नहीं करते बहुत सारी चिट्ठियां मैंने भेजी हैं, बहुत सारी जानकारियां दी हैं उस समय भी आपसे शेयर किया था कोई कोई कार्रवाई की अब तक इन्होंने? अडानी के मामले में जितनी जानकारी दी थी इसको भी भेज देंगे मतलब बाकी मामलों में सो मोटो कार्रवाई करेंगे मतलब एफ आई आर इन प्रेडिकेट ऑफेंस में नहीं भी है तब भी ईडी पहुंच जाएगी इसमें आप सारे नियम कानून बता रहे हैं कि आप चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कोर्ट क्यों नहीं जाते धरना क्यों नहीं करते प्रदर्शन क्यों नहीं करते क्यों भाई अगर आप निष्पक्ष एजेंसी हैं तो आप कार्रवाई कीजिए कर रहे हैं क्या आप अभी तो आंकड़ा मन आपको पहले से ही अंदाजा हो गया आप दुर्गेश पाठक से पूछताछ चल रही है विभव से भी पूछताछ हुई है और गिरफ्तारियां होंगी तो सनसनी आरोप लगा दो इन बातों को कहा इन बातों को कहा लेके आ रहे हैं आप संदीप जी पूरी पार्टी को गिरफ्तार करके जेल में डालिए ना भाई हमारी बातों को कहा हम तो कुछ है ही नहीं हम लोगों को तो जब चारे उठा के जेल में डाल दे रहे हो मैं पूछ रहा हूं इस देश में दो कानून चलेगा क्या बीजेपी के लिए ईडी ईडी गज, गजनी मोड में सीबीआई गजनी मोड में दूसरी पार्टियों के लिए ईडी सीबीआई गामा पहलवान दारा सिंह ब्रिजेंदर सिंह बॉक्सर क्या दो कानून चलेगा क्या इस देश में इतने बड़े भ्रष्टाचार पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई क्विड प्रो को प्रो को का क्या मतलब होता है अगर आज कोई कंपनी आपको चंदा दे रही है और उसके बाद आप उसी पार्टी की सरकार से ठेका पा रहे हैं और तीन लाख आठ हजार करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को मिला है जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है तो एक क्विड प्रो को नहीं है पर इसमें क्रोनोलॉजी में, क्रोनो में आप एक लोगों कर कर रहे हैं क्या? का आप एक ब्रेक कर रहे हैं क्या शुरुआत होती है शराब घोटाले से शराब नीति आपने बनाई अब आप कह रहे हैं घोटाले में फायदा बीजेपी ने उठाया आप गुमराह कर रहे हैं क्या आम जनता को भाई साहब ये तो 2000 मुझे अब अपनी बात कह देंगे हाँ, आप प्लीज ईडी सीबीआई का छापा पड़ने के बाद ईडी सीबीआई का छापा पड़ने के बाद एक नहीं तमाम कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को मोटे मोटे चंदे दिए इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या दिल्ली का शराब घोटाला जिसमें शरद रेड्डी नाम का किंग पिन संजय सिंह ने तो किंग पिन कहा नहीं इसको ईडी ने कहा किंग पिन बीजेपी ने कहा किंग पिन वो मुख्य साजिशकर्ता वो किंग पिन बीजेपी को 60 करोड़ रुपए का चंदा देता है 55 करोड़ अपनी गिरफ्तारी के बाद देता है उसके खाते क्यों नहीं सीज किए गए उस किंग पिन के 10 नवंबर को गिरफ्तार हो रहा है 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे दे रहा है और इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं है कोई भ्रष्टाचार नहीं इसकी कोई जांच नहीं होगी उसकी जांच के लिए हम अदालत के चक्कर काटे तो आखिरी सवाल तो संजय मतलब लड़ाई आप सड़क पर लेकर भी आ रहे हैं ये लड़ाई अब ऐतबार की भी हो गई है क्या जनता जनार्दन ये तय करेगी कि भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है अब यह सड़क पर आ गई है जनता की अदालत में आ गई है यह लड़ाई भ्रष्टाचारी 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 तो मैं आपके सामने संदीप जी कह रहा हूं दिल खोल के कह रहा हूं कि ये मोदी की गारंटी है एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा उसकी गारंटी है अजीत पवार को छगन भुजबल को हसन मुश्रीफ को प्रफुल्ल पटेल को नारायण राणे को अशोक चौहान को गले लगाऊंगा इसकी गारंटी है जनार्दन रेड्डी को नवीन जिंदल को शुभ अधिकारी को मुकुल राय को हेमंत विश्व शर्मा को गले लगाऊंगा बड़े बड़े पदों पर बिठाऊंगा इसकी गारंटी है पूरब से लेके पश्चिम तक उत्तर से लेके दक्षिण तक एक एक भाजपा को बीजेपी में शामिल करूंगा एक एक जब ये आरोप आप लगाते हैं कुछ उंगलियां आपकी तरफ भी उठती है जिस आंदोलन से उत्पत्ति हुई आपकी पार्टी की संजय सिंह आप संस्थापक सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं के नाम लेते थे कि इनको जेल भेजेंगे सोनिया गांधी से लेकर लालू प्रसाद यादव तमाम लोगों के जो नाम लिए जाते थे वो आपके पुरजोर समर्थन में खड़े हैं मतलब ये भी राजनीति का ही कमाल है अरे ये बंग अरे बंगारू जनता पार्टी है जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चार साल की सजा हुई है भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के मामले में पूरी दुनिया ने देखा और आपकी पार्टी तो के बारे बारे में बोलते पूछ रहा हूं मैं अपनी बात क्या हुआ आपकी हुंकार का क्या मैं हुआ मैं जवाब दे रहा हूं सुन तो लीजिए बिल्कुल चरित्र कायम है बिल्कुल चरित्र कायम है जब लोकतंत्र के ऊपर खतरा आ जाएगा देश के संविधान पे खतरा आ जाएगा देश की सरकारों को चुन चुन के बर्खास्त किया जाएगा गिराया जाएगा खत्म किया जाएगा तो भ्रष्टाचारियों तो का आपकी नजर में जो भ्रष्टाचारी बड़ा संकट है, कबूल है। करो आप जांच किसके पास है दस साल से देश की सरकार किसके पास है आप मुझे बताइए अरुणाचल की उत्तराखंड की कर्नाटक की मध्य प्रदेश की गोवा की सारी सरकारें महाराष्ट्र की तोड़ फोड़ करके गिराओगे बनाओगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दोगे और हेमंत विश्व शर्मा को अपने गले लगाओगे वाटर घोटाला लगा आओ तो आप लड़ाई सड़क पर ला, ला चुके हैं अब लड़ाई ये कितनी और भीषण होगी हो संजय सिंह आपने वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया